नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दो माह पूर्व हुए बच्चे की हत्या का आरोपी आज खुलेआम घूम रहा है। बच्चे की हत्या का आरोप लगा है स्कूल के संचालक पे। आरोपी का स्कूल और हॉस्टल दोनों चालू है। दो वर्षीय से रहकर पढ़ाई करता था मासूम शशिकांत, उम्र 13 वर्ष, प्रधान ग्राम चलाया थाना हथौड़ा जिला समस्ती का रहने वाला था। उसकी मौत 20/8/2017 को अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। हॉस्टल संचालक को बताना जरूरी नहीं समझा। किसी दूसरे के द्वारा परिजन को पता चला कि निजी अस्पताल में उनकी लाश परिजनों लाए। हॉस्टल संचालक निरंजन कुमार पर FIR दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुसार बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटने के कारण मौत बताया जा रहा है। बच्चे को गंभीर स्थिति में मिलाया गया, जहां डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने गंभीरता को देखते हुए बात आरोपी और स्कूल के ऊपर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब घटना वाला बच्चा हम लोग बेगूसराय, हमको भतीजी तरफ से जानकारी हुआ, हम भतीजी जो है जानकारी दिए फोन पर 9 बजे। हम लोग बेगूसराय गए, बेगूसराय में जो है लाश लेके आए थाना पर। थाना हम तो फर्स्ट एड करके उसको सीट ठीक कर दी। कन्वल्सन हो रहा था तो जो कन्वल्सन की दवा है और उसके लाइन पर हम देख करके उसको सीट कर दिए। डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है बिना CT स्कैन और बिना फर्दर इन्वेस्टिगेशन का एग्जैक्ट डायग्नोसिस होना। कुमार से उसका मम्मी रात 19 तारीख के रात 8 बजे में बात किया था। उसके प्रातः 20 तारीख के डेट में उसके मम्मी को इन्फॉर्म मिला मेरे जीजाजी की तरफ से कि आपका लड़का का आदर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब वहाँ पे मेरा बहनों जब पहुँचा तो लाश के लेकर बच्चा को लेकर के भाग गया वो। जब हमने प्रशासन से इस विषय में बात की तो उन्होंने तुरंत रोसड़ा DSP को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और स्कूल की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया।